नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हम लोग के इस बहुत खास एपिसोड में। खास एपिसोड इसलिए है क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बेइंतहा खास कॉलेज में मौजूद हैं। कॉलेज के कैंपस में, कॉलेज के लॉन में कदम रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सेंट स्टीवंस कॉलेज है और एक बार इसके गेट के अंदर आप दाखिल हो गए, यानी यहाँ आपको दाखिला मिल गया, तो अपने आप में ये किला फतेह करने वाली बात होती है आज भी। और इस कॉलेज ने एक इतिहास रचा है। इतिहास रचने वाले, नई तारीख लिखने वाले रोहित यादव हैं जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने हैं और पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए। इससे पहले सेंट स्टीवंस की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था, इसी वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं सेंट स्टीवंस कॉलेज में। और ये जो हुआ है अभी, रोहित यादव ने जिस तरह का इतिहास रचा है, उस पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बड़े बदलाव की तरह इशारा कर रहा है? क्या सेंट स्टीवंस कॉलेज, जो बहुत ही इलीटिस्ट कॉलेज है, अभिजात हिंदी में इसे कहते हैं, और क्या वो उस इलीटिज्म को अब तोड़ रहा है? क्या कोई सोशल बैरियर टूटा है? ये तमाम सवाल हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारी मदद करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं जो एक ज़माने में सेंट स्टीवंस में रहे, यहाँ के हिस्सा हैं, और तमाम अपने अपने फील्ड के नामी गिरामी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको मिलवा दूँ तमाम लोगों से। मेरे साथ SY कुरैशी हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारे साथ अशोक वाजपेयी हैं, कवि हैं, हिंदी के लेखक हैं, सेंट स्टीवंस कॉलेज में रहे हैं। हमारे साथ अजीज़ कुरैशी साहब हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप फुटबॉल खेल चुके हैं, फिल्म्स बनाते हैं, एक्टर हैं, यानी तमाम तरह की टोपियाँ इनके सर पे हैं। उसके अलावा मेरे साथ यहाँ पे हर्ष मंदर मौजूद हैं, जो राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। हमारे साथ नीलम सक्सेना हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं हिंदी की। और हमारे साथ डॉक्टर कैरन गैब्रियल हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मीडिया एडवाइज़र हैं इंग्लिश विभाग की। तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस कॉलेज से जुड़े रहे हैं, और इनके साथ बातचीत करके हम आज समझना चाहेंगे कि इस कॉलेज ने क्या बदलाव देखा है, और इस बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं रोहित। रोहित, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको ये एहसास है, आपने इतिहास रचा है, इतनी आपने एक तारीख बनाई है, और मैं सोच रही थी कि अगर मैं आपकी जगह होती तो इतना कुछ लिखा जा रहा है अब अखबारों में, टेलीविज़न इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि आपने इतिहास लिखा है, क्या इसका आपको एहसास उस वक्त था जब आप बने थे प्रेसिडेंट, या अब ये रोज़ रोज़ ये बात जो आ रही है, तो ये किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं? मैम, उस वक्त तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि शायद कल के न्यूज़पेपर या मीडिया में ऐसा कुछ आने वाला है। सिर्फ उतना भी एहसास नहीं था कि मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ। ऐसा अनुमान लग रहा था कि शायद मैं क्लोज हूँ, क्लोज फाइट होगी, और मेरे को ये एहसास था कि 35 या 40 वोट से मैं जीत सकता हूँ या मैं इतने ही वोट से हार सकता हूँ, पर ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। पर उसके जीतने के बाद भी 2 घंटे तक मेरे को ये नहीं पता था कि ये क्या हुआ है इस कॉलेज के अंदर। मुझे खुद एहसास नहीं हो रहा था, बस सिर्फ एक माइंड सेटअप था कि हाँ जीत गया हूँ बस, पर वो एहसास नहीं था 2 घंटों तक कि मैं शायद इलेक्शन जीत चुका हूँ। और अब ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, और उसके साथ जो तमाम जिम्मेदारी है या जो उम्मीद है, और आपको जो कहा जा रहा है कि आपने एक इतिहास लिखा है, और सही है, आपने इतिहास लिखा है, इस कॉलेज में पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, तो इस बात का एहसास आपको है कि एक हिंदी मीडियम से हिंदी बोलने वाले पहले प्रेसिडेंट आप बने हैं, और उन तमाम लोगों के साथ आपका नाम जुड़ेगा जो यहाँ पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और वो तमाम अंग्रेजी दान लोग थे, चाहे वो चंदन मित्रा हों, चाहे वो मानी शंकर अय्यर हों, ये तमाम लोग जो हैं, तो इसका एहसास आपको अब धीरे धीरे हो रहा है? मैम, मैं एहसास तो कर रहा हूँ, पर मेरे को एहसास फाइनल जब रियलाइज़ होगा, जब मैं कॉलेज में अपना लास्ट डे पूरे उस वर्क के साथ जो मैंने छोटे छोटे प्रॉमिस किए हैं वर्क करने के लिए, और स्टूडेंट वेलफेयर की बात करता हूँ, ये बोलता हूँ कि यूनियन सबकी होनी चाहिए, एजेंडा हर किसी का होना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मैं अपना लास्ट दिन बिताऊँगा कॉलेज के साथ, तब मेरे को शायद रियल में लगेगा कि हाँ मैंने अपनी पूरी जो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, जो मौका मैंने सब लोगों के सामने ये भुनाने के लिए पाया है, उस वक्त मेरे को लगेगा कि शायद मैंने अब असली में अपनी जंग जीती है। रोहित, ये जो जिस जंग की आप बात करें, जब आपने ये इरादा किया होगा कि आप ये चुनाव लड़ेंगे, उस वक्त स्टूडेंट्स के लिए काम करना मकसद था, या उस वक्त भी आपको ये एहसास था कि आप जिस चुनाव में जा रहे हैं वहाँ अगर आप जीतते हैं तो एक तरह की दीवार आप तोड़ेंगे, और ये जो आपका ड्राइविंग फोर्स था वो ये था क्या? मैम, सबसे पहले तो ये था कि मैं अपने फर्स्ट ईयर से ये मेरा माइंड सेटअप हो गया था कि मेरे को इलेक्शंस में ओपन कोर्ट करना है,
शायद कहीं ना कहीं 1% जो कहते हैं कि वेरियर, वो कहीं ना कहीं था। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, और कॉलेज में ऐसे लोगों को भी लगता था कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा लगता था कॉलेज में? आप कह रहे हैं लोगों को लगता था, कॉलेज का एक थोड़ा सा तो जो कल्चर है बना हुआ है कि प्रेसिडेंट मटेरियल, एलीट बातें होती हैं, ये सारी चीजें बातें लोगों को लगता था। मेरे अपने जो साथ के भी एक दो दोस्त होते थे, वो भी बोलते थे यार कि बहुत मुश्किल है, करना है तो सोच ले। और कॉलेज में अभी जो एक दो साल पहले प्रेसिडेंट बन के जा चुके हैं मेरे सीनियर, जो मेरे से बहुत क्लोज रहे, जॉर्ज जोसेफ भैया, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला काम करना बहुत बड़ी बात है, खड़े होना बड़ी बात नहीं है, सोच के जाना। देख लो मैंने किया था, मेरे को देख के तब जाना, साथ में काम किया है तो। पर मैंने उनकी बात को थोड़ा सुना, पर मेरे को दिमाग में था कि ठीक है ओपन कोर्ट करना है, इलेक्शन जीत गया तो काम करूँगा, नहीं जीता तब भी काम करूँगा, मैं काम करने से तो पीछे नहीं हटता। इन सब से इसमें काफ़ी बच्चे जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होंगे, इन लोगों से पूछ सकते हो आप कि मैंने कैसे काम किया है, और शायद उस काम की वजह से लोगों ने मेरे को जाना। पहले हम आपकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी खुशी मनाने के लिए और जो बदलाव है उसको मनाने के लिए जुटे, तो मैं आपसे एक और सवाल इससे जुड़ा पूछूंगी कि बार बार जो अखबारों में छप रहा है, मैंने भी जब पढ़ा तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र में आई, और मैं सोच रही थी कि मैं होती इस जगह तो कैसा लगता, कि गार्डनर्स सन विंस सेंट स्टीवंस स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो ये जब आप पढ़ते हैं या देखते हैं तो आपको इस चीज़ पर फख्र महसूस होता है, गर्व होता है, या कैसा लगता है इस चीज़, क्योंकि क्लास फोर्थ या फोर ग्रेड के एम्प्लॉई जो है नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ये हकीकत एक है कि आपके पिता, और वो जो क्लास बैरियर था उसको आपने तोड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका शायद मैं ये कह सकता हूँ कि 10% ऐसा एक बैरियर है कि जो बच्चे अपने आप को कॉलेज के अंदर थोड़ा सा अलग फील करते होंगे, या तो फिर शायद कहीं ना कहीं वो अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे दोस्त कहाँ पे बैठ के खा रहे हैं या कहाँ पार्टी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं जी। शायद उनको लगता है कि अपनी क्लास खत्म हो गई, रूम में चलो पढ़ाई करो, नहीं मतलब है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद 10% रहा होगा उस बैरियर को तोड़ने में। तो उन लोगों को मैं आत्मविश्वास तो देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ सामने आज प्रेजेंट करके आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि फॉर फ्यूचर भी वो लोग आए। ठीक है, हमारे साथ जो मैं आपकी कहानी पे वापस लौटूंगी, जो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब इस कॉलेज के हिस्सा रहे हैं। कुरैशी साहब, आप ये पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन जीतने में इनका कमाल कम है, इन लोगों का कमाल ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल, दे आर सोशली अवेयर, बैरियर लेके ये आए थे, ये अच्छे अच्छे जैसे आप जिसे एलीट कॉलेज कह रहे हैं, एलीट पेरेंट्स के बच्चे हैं ये, तो कमाल इनका ज्यादा है, मगर लकीली इन्हें ऐसा आदमी मिल गया जो उसके लिए मुनासिब। बिल्कुल, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कमाल इन लोगों ने किया है, एक नॉन एलीट बैकग्राउंड और हिंदी मीडियम उस ऐसे कॉलेज में जो कि शेक्सपियर सोसाइटी में बड़ा फख्र महसूस करता है, और यहाँ शेक्सपियर के प्लेस होते हैं। देश का हाल देखिए, बिल्कुल, मोदी जी के बारे में लोगों ने कहा था कि भाई चाय बेचते थे, मॉडर्न फैमिली के, तो ये वो मूड, वही मूड को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, पूरे में ये मूड है। लेकिन क्या इसको हम एंड ऑफ एलिटिज्म के तौर पे देखें, अजीज कुरैशी साहब? नहीं, बिगनिंग कह सकते हैं। हर्ष मंदिर जी, तो मुझे लगता है कि बदलाव हमारे देश में बहुत धीमे, बहुत धीरे हो रहा है, और ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इस कॉलेज में रहा, मुझे सम ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ इस कॉलेज में मैंने गुजारे। एक एलिटिज्म था, लेकिन एक जेंटल किस्म की एलिटिज्म थी हमारे वक्त में, मुझे लगता है, और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी थी। आज मैं इनफैक्ट आई हैव कम बैक, मैं कॉलेज में हफ्ते में एक दिन आता हूँ पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल ने, और उस कोर्स को इंगेजिंग विद अनइक्वल इंडिया नाम दिया है, और पूरा फर्स्ट ईयर से मैं उनके साथ वक्त गुजारता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जो नौजवान यहाँ आते हैं, हम लोग अपने बच्चों को जिस तरह से बड़ा कर रहे हैं, मैं एक बार मैंने क्लास में ये सवाल पूछा कि आप में से कितने बच्चे झुग्गी झोंपड़ी में गए हैं, तो पूरे क्लास में एक हाथ भी नहीं उठा। फिर मैं चौंका थोड़ा सा, मैंने कहा कि कितने बच्चे झुग्गी झोंपड़ी में कम से कम देखे हैं, और आधे से कम हाथ ऊपर उठे। मतलब आप अब दिल्ली शहर में रह रहे हैं, और आप मानते हैं कि आपने झुग्गी झोंपड़ी नहीं देखी, मतलब आप वहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको ये रजिस्टर भी नहीं हो रहा है कि बहुत मुश्किल हालात में रहने वाले यहाँ कुछ इंसान हैं। तो मुझे लगता है कि बदलाव जो का संकेत जो रोहित के आने से हमें मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जी, जी। बहुत
बहुत देर से आया है और बहुत सीमित है जी। इसका स्वागत भी हम करें लेकिन आत्माध्ययन भी करें कि वाई आर वी सेलिब्रेटिंग सो लिटिल सो लेट के अलावा द फैक्ट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग हम इसका जश्न मना रहे हैं, मुझे ये भी अशोक वाजपेयी साहब ये अपने आप में इशारा करता है कि यहाँ ये चीज नहीं थी और बड़े जमाने तक नहीं थी, इसलिए रोहित जब चुने गए तो इसकी इतनी चर्चा हो रही है, ये अजूबा है अपने आप में। देखिए मैं 1960 में आया जी और मैं एक छोटे शहर सागर से आया था जी और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हिंदी माध्यम से हुई थी जी, लेकिन मैंने यहाँ अंग्रेजी में एमए करने के लिए दाखिला लिया था और उस समय यहाँ कोई भारतीय भाषा नहीं थी, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में अंग्रेजी ही थी जी और संस्कृत और फारसी वगैरह के विभाग तो थे लेकिन बोलने वाले हम सिर्फ नौकरों से जिप्स से और धोबी से हिंदी बोलते थे, बाकी सब लोग अंग्रेजी में ही बात करते थे। तो मैं चूंकि तब तक लेखक हो चुका था जी। तो मैं करीब हर दूसरे तीसरी शाम को अपनी भाषा में वापस जाने के लिए कनॉट प्लेस जाता था जहाँ हिंदी के लेखक हमारे मित्र थे, श्रीकांत वर्मा, अशोक सिकसरिया, महेंद्र भल्ला, प्रयाग शुक्ल वगैरह, कॉफी हाउस वगैरह, वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ मुझे मैं मुतमईन होता था कि मैं अभी भी अपनी भाषा में बना हुआ हूँ। दूसरी बात ये थी कि उस समय यहाँ लड़कियाँ भी नहीं थी तो न तो भारतीय भाषाएं थी और न लड़कियाँ थी, लड़कियाँ हम उधार लेते थे मिरांडा हाउस से, जो शेक्सपियर वगैरह के नाटक आटक होते थे तो वो लड़कियाँ तो वहाँ से आती थी। तो यहाँ एक तो इस ये जो वक्त था अब उसको 50 से अधिक वर्ष हो गए, यानी मैं 1960 में आया, 1962 में यहाँ से निकला, तो अब 52 बरस हो चुके, तब ये परिवर्तन आया है। तब परिवर्तन ये आया है कि एक ऐसा लड़का जिसकी पृष्ठभूमि लगभग वही है जो मेरी थी, यानी हिंदी माध्यम से पढ़ा, सरकारी फटीचर स्कूल में पढ़ा, मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा था वो बैरक्स में लगता था जी, वहां से मैं आया था। तो अब जैसा ये ठीक कहा हर्षमंदर ने कि 52 बरस लगे सेंट स्टीवेंस कॉलेज में इस परिवर्तन को आने में, 52 बरस लगे यहाँ हिंदी में कुछ हो सके इसकी संभावना खुलने में, 52 बरस लगे एक अपेक्षाकृत शोषित वर्ग से आ रहे बच्चे को इसका अध्यक्ष बनने जी। तो ये जो 52 बरस लगे हैं कुरेशी साहब, आपको क्या लगता है कि रोहित की ये जो जीत है 52 बरस के बाद, भले उसका हम जश्न मना रहे हैं कि इस क्लास से एक खास वर्ग से हैं, वो हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो क्या रोहित की जीत हिंदी को एक तरह से कबूल करना है सेंट स्टीवेंस कॉलेज के लिए, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो अशोक वाजपेयी साहब कह रहे थे कि वो वापस जाते थे कनॉट प्लेस हिंदी भाषा में बात करने के लिए, थोड़ा खुलकर सांस लेने के लिए, आप किसी से हिंदी में बात यहाँ नहीं कर सकते थे। ये जो वाजपेयी साहब ने वैसे ठीक कहा, लेकिन मैं इसको ब्रेक विद द पास्ट नहीं समझता, मैं समझता हूँ ये एक लॉन्ग ट्रेडिशन की कंटिन्यूएशन है और उसके मैं भी यहाँ 5 साल था कॉलेज में और वहाँ पे हमने देखा कि ऐसे कोई मुस्लिम कैंडिडेट हुआ जिसमें मुस्लिम वोटर्स होंगे 10 लेकिन वो बार बार मुस्लिम प्रेसिडेंट भी बन जाता था, केरला का है, नॉर्थ ईस्ट का है, सिख है, यानी यहाँ पे इस कॉलेज में इस ये सवाल था ही नहीं। बल्कि इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त 3 साल तक मेरा नाम शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, सबको मालूम है मुसलमान नाम है, 3रे साल में उस शख्स ने मुझसे पूछा कि कुरैशी आर यू मुस्लिम, 2 साल 3 साल हुए कॉन्शियसनेस थी ही नहीं, मतलब फैक्ट कि यहाँ पे कोई भी हो इतना लिबरल माहौल था कि वो वोटर्स के माइंड में ये कंसिडरेशन ही नहीं था कहीं का भी वो आदमी है। चाहे मैं ये समझता हूँ ओनली परिवर्तन ये है कि 52 साल बाद किसी हिंदी वाले ने कोशिश की, अगर इन्होंने 20 साल पहले कोशिश की होती तो ये शायद पहले हो गया होता। लेकिन आपको क्या लगता है, आप अजीज कुरैशी क्या कहेंगे, इन्होंने जो कोशिश की वो कोशिश लोग नहीं करते थे पहले क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था, उनको लगता था कि हमारी कोई जगह नहीं, या वो एक इनहिबिशन एक संकोच होगा कि हम हिंदी बोलते हैं हम अंग्रेजी नहीं बोलते, ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात होती है वो भी सेंट स्टीवेंस कॉलेज में कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती हूँ तो क्या मैं लोगों से बात करूंगी, वो एक संकोच होता है आपके में। जब मेरा दाखिला हुआ हम भी मिडिल क्लास के थे, अंग्रेज और एक उर्दू स्कूल से आए थे, खिलाड़ी थे,
इलेक्शन से लिंक नहीं करो, यहाँ जैसे याकूब ने भी बताया कि यहाँ पे स्काई इज द लिमिट, आदमी में टैलेंट हो, ये अच्छा भाषण देते होंगे, काम करने का जज्बा है, बच्चे समझने वाले हैं, इनको फेवरेट समझा। अच्छा, मेरा जब दाखला हुआ तो मैं तो एक शेर में अपना दाखला बता देता हूँ, मैं इसे अपनी शुरत कहूँ कि रुसवाई, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। मैं 11वीं क्लास में 10वीं में दिल्ली स्टेट फुटबॉल खेल लिया था, तो मेरे सेंट स्टीफन कॉलेज से बुलावे आते थे और ये मालूम था उर्दू स्कूल का है, एंग्लोरबिक स्कूल से आया और मेरा दाखला हुआ और मुझे सिर्फ फॉर्म पे सिग्नेचर करने पड़े। उसके बाद मैंने प्रूव भी किया कॉलेज का, आज भी मैं हूँ, आज तक इंडिया टीम में सेंट स्टीफन कॉलेज का फुटबॉल प्लेयर नहीं गया, मैं गया हूँ और अकेला आदमी हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2 मेजर गेम का कैप्टन रहा हूँ। लेकिन फुटबॉल एंड एथलेटिक्स, अजीज साहब आप ये कहना क्या, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये लिंक बता रहा हूँ, यहाँ कोई बैरियर नहीं था, आजादी थी, टैलेंट हो, अभी ये इंसान ने बताया। लेकिन जो एक में बैरियर जो नहीं था, क्या लैंग्वेज की, भाषा की इलिटिज्म नहीं थी? हर्षमंदर साहब, एक्चुअली दो बहुत अलग चीजें कही जा रही हैं और दोनों सही हैं। एक ये है कि सेंट स्टीफन्स का जो एलिटिज्म, मैंने पहले भी कहा, एक जेंटल किस्म का एलिटिज्म था, जहाँ पे एलिटिस्ट लोग, मतलब लोग बाय एंड लार्ज अपवाद को छोड़ के अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, अपने प्रिविलेज में उनमें कॉन्फिडेंस था। अच्छा, अब यहाँ जरूरत पड़ गई, एलीट हमारा मतलब क्या है, वो क्या लाइन है, जहाँ एलीट है जहाँ नहीं है? नहीं, जहाँ तक हम एलीट की बात करें, एक तरह से जो भी सेंट स्टीफन में वो एलीट, इस मामले में जरूर है कि एजुकेशन के फील्ड में आप एलीट हैं। कट ऑफ देखें, जो आप अभी तो कट ऑफ क्या है यहाँ पे, 97-98 या शायद उससे भी ऊपर होता होगा, 97-98, तो एजुकेशनल एलीट तो आप वैसे भी जो भी सेंट स्टीवंस में आ रहा है, जो दायरा है बहस का काफी बड़ा है। पर रोहित जीते, रोहित वो पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ओपन कोर्ट जो है वो हिंदी भाषा में किया, इसलिए प्रोफेसर नीलम सक्सेना जो हिंदी डिपार्टमेंट की हेड है यहाँ पे, आपको लगता है कि ये हिंदी को स्वीकार करने जैसा है सेंट स्टीवंस कॉलेज में, और ये बात सच है या नहीं कि एक लैंग्वेज की हायरार्की यहाँ जरूर रही है जिसमें हिंदी नीचे थी? नहीं नगमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ शेक्सपियर सोसाइटी है, यहाँ शेक्सपियर सभा भी है जिसमें कि हिंदी के बहुत अच्छे नाटक किए जाते हैं, और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारे छात्र स्वयं उन नाटकों को लिखते हैं और उनका निर्देशन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ उदारता की नीति अपनाई गई है और हिंदी माध्यम में भी कुछ छात्र पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम भी है। तो मैं, मुझे लगता है कि ये जो यहाँ मुद्दा आपने उठाया है कि रोहित की जीत भाषा को लेकर हुई है, ये कुछ अंश तक ठीक है, पर मुझे लगता है कि रोहित की जो घोषणा पत्र में नीतियाँ थी वो शायद छात्रों के लिए ज़्यादा लाभकारी रही होंगी। तो पूरा इलेक्शन कैंपेन जो आपका था वो मैं पढ़ रही थी कि एंटी इलीट एजेंडा था आपका, है ना, हिंदी को आपने अपना स्ट्रेंथ बना के इलिटिज्म के खिलाफ एक तरह से जाके आपने कैंपेन किया था। आपके तमाम साथी यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने कैंपेन किया था, अगर हम इनको यहाँ पे माइक दे सके तो इनसे मैं पूछना चाहूँगी, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आपने इसको अपनी ताकत बनाया था, ये सच है क्या? आपके पास, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और वही चीज़ आपकी ताकत थी? ऐसा नहीं था कि, मतलब मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता था, कर सकता था, पर शायद लगता था कि अगर अपने पास एक चीज है उसको हम मोटिव बना के चल सकते हैं तो क्यों नहीं, पीछे क्यों जाएं उसमें और इंग्लिश को लेके जाएं, या फिर मैं इस चीज को टारगेट नहीं करना चाहता था। अगर मैं हिंदी में बेटर कर सकता था तो मैं उसको लेके चला। काफी लोग बोल रहे थे कि शायद बहुत मुश्किल होगा, नहीं हो सकेगा, देख लो, क्योंकि ओपन कोर्ट में ये नहीं है कि केवल मैं अपनी स्पीच को जाके प्रेजेंट करके आ जाऊं, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उस दौरान में से 5 क्वेश्चन भी पूछे गए, तो उन क्वेश्चन के आपको जवाब भी देने होते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप उन क्वेश्चन को क्लियरली बिल्कुल जवाब दो। के जवाब, क्वेश्चन आपसे अंग्रेजी में पूछे जा रहे थे? हाँ, अंग्रेजी में ही पूछे, जवाब हिंदी में दे रहे थे? हाँ, बिल्कुल। और नहीं संकोच दे रहे थे? नहीं संकोच, ये सबसे बड़ी बात है, है कि नहीं? क्योंकि अगर आपसे कोई अंग्रेजी में बात कर रहा हो और आप हिंदी में जवाब दें तो एक सोची समझी ये कोशिश होती है कि मैं हिंदी ही बोलूंगा, क्योंकि अक्सर लोगों को संकोच महसूस होता है इस चीज में। डॉक्टर कैरन गैब्रियल, आपको, आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में है, डॉक्टर प्रोफेसर नीलम सक्सेना हिंदी डिपार्टमेंट में, ये जो हम लैंग्वेज की हायरार्की की बात कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है, या और रोहित की जो जीत है वो उसको आप किस तरह से देखती हैं? एक हद तक सेंट स्टीफन्स इज अ वेरी एक्सक्लूसिव स्पेस, मगर
स्टीफन्स इज ऑल्सो अ वेरी इंक्लूसिव स्पेस. तो मैं हिंदी का ही नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर आप गुजरेंगे कॉरिडोर्स में तो आप कम से कम 6-7 भाषा सुनने को मिलेगा. वो कोई तमिल बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई बांग्ला बोल रहा है, कोई नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, कोई उर्दू बोल रहे हैं, कोई मलयालम बोल रहे हैं. सो एक तो ये एक अभी मुझे लगता है कि पिछले 7 साल से थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन हुआ है सेंट स्टीफन्स कॉलेज में. हो सकता है कि उसके पहले जो है थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था एलिटिज्म और एक्सलेंस के बीच में, मगर अभी जो है मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन जो है एक बहुत ज़्यादा हद तक सेपरेट किया है एक्सलेंस क्या चीज़ है और एलिटिज्म क्या चीज़ है. और मुझे लगता है कि ये बात जो है हमारे स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है कि एलिटिज्म अलग चीज़ है और एक्सलेंस अलग चीज़ है. तो जब हम मुझे लगता है जब हम इंट्रोस्पेक्शन करने लगे थे कि एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हमारा रोल क्या होनी चाहिए सोसाइटी में, और 7 साल पहले ये जो बहस हुई है आपको शायद सुनाई नहीं दिया, कंट्रोवर्सी के हैसियत से आपको सुनाई दिया, मगर अंदर में जो बहस होता गया सेंट स्टीफन्स में मुझे लगता है कि रोहित इसका नतीजा है. क्योंकि रोहित बाहर से नहीं आया, रोहित जो है ही इज अ मेंबर ऑफ दिस कॉलेज और रोहित जो है कर्मचारी यहाँ क्लास 4 एम्प्लॉय का बेटा है, तो उनका एट वन लेवल वो आ जाते हैं. सेंट स्टीफन्स कॉलेज डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल जो अदर कॉलेजेस फॉलो करते हैं कि 3% के सीट्स जो है स्टाफ मेंबर्स को दिया जाता है. हर कर्मचारी का बच्चा, हर स्टाफ मेंबर का बच्चा इसमें ऑटोमेटिकली दाखिल हो जाते हैं. इसका ये मेरा ये कहना नहीं है कि कोई काबिल नहीं है जी, इनमें से सब काबिल है. आप कह रहे हैं कि जो एक बहस चल रही थी स्टीवंस के अंदर खुद एक तरह का मंथन था, ये इसका नतीजा भी है. और मुझे लगता है कि ये दिस इज द बिगिनिंग जी. अभी जो व्हाट रोहित डज टू कंसोलिडेट दिस अभी हम देखेंगे उसको. रोहित आप जो आपको वोट्स मिले वो 372 थे हाँ, और जो सेकंड आए वो आपसे कुछ 150 से ज्यादा वोटों से पीछे थे, 134 वोट से. आपको जिन लोगों ने वोट दिया वो तमाम जिनकी बात करें इलीटिस्ट तो उस तरह के परिवार के ज़्यादा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको एहसास भी नहीं है कि वो कितने प्रिविलेज क्लास से हैं क्योंकि वो उनको पैदाइश से मिला है. तो उन तमाम लोगों ने भी आपका साथ दिया, या आपके साथ देने वाले किस किस्म के लोग थे? ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर 5 या 6 ही तरह के बंदों ने मेरा साथ दिया, नहीं, सब अलग अलग क्लास के लोग थे और अलग अलग लोग आकर साथ में जुड़ते गए. शुरू में शायद हम 3 या 4 लोग चले थे, मेरे 1-2 दोस्त थे, बस उन्हें भरोसा था, बस और लोगों को भरोसा नहीं था. स्टीवंस में जिस तरह का माहौल अब तक रहा है लिबरल था, लेकिन इस मामले में जहां लैंग्वेज की बात है, आपको लगता है कुरैशी साहब कि ये उनके लिए एक हैंडीकैप हो सकता है अब, या उन्हें इस बात को एहसास लगता कि वो अगर रिप्रेजेंट करेंगे कहीं कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेंगे तो वो अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बोल सकते हैं पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी में और वो हिंदी में बात करना चाहेंगे, तो ये एक जो हैंडीकैप का एहसास कभी होगा? मुझे नहीं लगता कि बाहर जब जाएंगे तो इनको हैंडीकैप का एहसास होगा. हैंडीकैप का एहसास तो इनको कॉलेज में हो सकता था, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हिंदी मीडियम के तो 10-15-20-50 स्टूडेंट्स होंगे. 372 ने इनको वोट दिया, इंग्लिश मीडियम वालों ने इनको वोट दिया. बाहर इतनी ज्यादा इंग्लिश कॉन्सेंट्रेशन के तो कॉलेज कम होते हैं, तो बाहर जहाँ जाएंगे वहाँ तो हिंदी पहले ही ज्यादा बोली जाती है, तो वहाँ इनका कम्फर्ट लेवल नॉर्मल कोर्स में और भी ज्यादा होगा. अजीज साहब, क्या जब ये रिप्रेजेंट करेंगे सेंट स्टीवंस को किसी प्लेटफॉर्म पे और हिंदी में बात करेंगे सेंट स्टीवंस कॉलेज के प्रेसिडेंट, तो आपको लगता है कि ये अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए एक सीख भी होगा और वो जो हिंदी बोलने का एक संकोच है उसे भी एक तरह से ये खत्म कर पाएंगे? मेन चीज है आप अपने आप को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. कम्युनिकेट करना सबसे बड़ी चीज है जी. अच्छा हम हिंदी बोलते हैं उसमें अंग्रेजी के 10% अल्फाज आते हैं, बिल्कुल. जब तक अंग्रेजी ना बोले वो बात कन्वे नहीं होती. ऐसे रोहित में भी करते होंगे, और रोहित अच्छा हिंदी जानी है, खूब जानी है, अंग्रेजी भी जानी है. अब अपने आपको ज्यादा काबिल बना लेंगे, आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा. अंग्रेजी ना जानना कोई क्राइटेरिया नहीं है, अंग्रेजी बिल्कुल उतनी ही सीखे जितनी इन्हें हिंदी आई है, इनके लिए बेहतर होगा और हमारे लिए कम्युनिकेशन का मामला बेहतर होगा. हिंदुस्तान में 2 ही भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश, जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं जी, कम्युनिकेशन में आसानी होती है जी. डॉक्टर अशोक वाजपेयी, आप जिस 60 के दशक में आप यहाँ पर थे, अब आप इस कैंपस में आज बैठे हैं और इसकी बिल्डिंग्स को देखकर आपको तमाम तरह के एहसास आज हो रहे होंगे. आप उस दौरान
की याद कुछ करना चाहेंगे कि उस वक्त कैसा माहौल था कॉलेज में? आपने बताया कि लड़कियां यहाँ नहीं थी और उन्हें उधार लाना पड़ता था, लड़कियों का रेजिडेंस यहाँ बहुत सालों तक नहीं बना, वो भी एक बहुत बड़ा बायस था, लेकिन उस वक्त में ये हिंदी अंग्रेजी और वो तमाम चीज़ों को लेके किस तरह का माहौल था? देखिए, ऐसा नहीं था कि मैं पहला हिंदी लेखक था जो सेंट स्टीवेंस में पढ़ने आया। हमसे पहले दो बड़े, एक तो चित्रकार रामकुमार जी, वो सेंट स्टीवेंस के ही छात्र थे, उन्होंने यहाँ संभवतः अर्थशास्त्र पढ़ा था और वो हिंदी में कहानी भी लिखते हैं और बड़े चित्रकार भी। दूसरे थे निर्मल वर्मा, जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक हुए, वो यहाँ इतिहास में एमए किया था उन्होंने। तो एक बार किसी ने ये कहा था कि अंग्रेजी साहित्य जो है भारत में लिखा जाने वाला, उसमें एक सेंट स्टीवेंस स्कूल है, देयर इज अ सेंट स्टीवेंस स्कूल ऑफ फिक्शन राइटिंग इन इंग्लिश, एंड दैट पर्सन रोट टू मी अ लेटर सेइंग कि वुड यू अलाउ मी टू से दैट देयर इज आल्सो इक्वली ए हिंदी स्कूल ऑफ स्टीफेनियन राइटिंग एंड दैट ही एन्यूमरेटेड दिस। सो लेट अस नॉट sort of simplify the matters, it's a much more complex issue. दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं था कि उस समय जो, एक तो हम लोग छोटे शहर से चूँकि आए थे तो थोड़ा सहमे से रहते थे, क्योंकि हमारे साथ जो छात्र थे वो दून स्कूल और मेयो कॉलेज और सिंधिया स्कूल वगैरह से पढ़े हुए थे, वो अव्वल दर्जे से अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए थे, हम तो आके एमए में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने पाया कि वो सब बेन जॉनसन और ये सब तो जानते थे, यू नो, शेक्सपियर वगैरह के बारे में, लेकिन हमको रेनर मारे रिल्का का पता था, हमको पाब्लो नेरुदा का पता था, हमने अल्बेयर कामू को पढ़ रखा था, हमारे पास पास्तरनाक की कविताएं थी। तो फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा और उसके फिर बहुत और नतीजे। तो ऐसा नहीं है, ये सही है कि एक उदार किस्म का भद्र अभिजात यहाँ था, लेकिन वो आड़े नहीं आता था अगर आप उसको बरका के चले, यानी वो आपको छेकता या रोकता नहीं था अगर आप कुछ करना चाहें। तो ऐसा नहीं था कि कोई बंदिश थी। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे वो एहसास भी कम हुआ, धीरे धीरे ऐसे लोग भी आने लगे जो और हलकों से आते हैं और जिनके पास उस तरह की साधन सुविधाएं नहीं हैं जैसा बहुतों के पास उस समय होती थी। तो ये तो सही है, उस जमाने में भी बरामदों में कभी कभी दूसरी भाषा सुनने मिलती थी जी। पर जैसे चुप चुप सी, मतलब वो ऐसे जैसे कानाफूसी हो रही है। डॉक्टर कैरन गैब्रियल, मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहूंगी कि कुछ दिनों पहले, चूंकि सेंट स्टीवेंस को लेकर इस तरह की डिबेट्स भी हुई हैं जैसा हमने अक्सर मणिशंकर अय्यर को कहते सुना, और अभी कुछ दिनों पहले मणिशंकर अय्यर और अजय माकन के बीच जो खतो किताबत की वो सिलसिला चला था वो आपको याद होगा। और मैं बता दूं आपकी कि उन्होंने लिखा था कि ये जो लेटर अजय माकन ने लिखा है उसकी ऑथेंटिसिटी वो है, असली है कि नहीं उस पर डाउट है, क्योंकि इसमें डाइकोटमस जैसे लफ्ज का इस्तेमाल है, तो ये कोई बी ए पास फ्रॉम हंसराज नहीं लिख सकता, तो ये जो है ये गलत तो नहीं है, ये स्नॉबरी, ये एक गुरूर सेंट स्टीवेंस का ये था, ये है। हाँ जी जी बिल्कुल, ये तो अहंकार एक व्यक्ति का भी, ये अहंकार है पर वो कॉलेज से आता है, स्टीवेंस से मत जोड़िए, पर वो कॉलेज से आता है, हमने से हर एक के अपने अहंकार होंगे, तो आपने अपने आप अहंकार आ गया। ये आई हैव टू टेल यू, पर चूंकि वो डॉक्टर यारिन गेम, आई नो, आई मीन आई कम्प्लीटली एग्री विद वाजपेयी जी, एंड आई मस्ट टेल यू कि उस रोज़ जो है जैसा ही खबर मिला, हमारे प्रिंसिपल जो है अपने ऑफिस छोड़ के हंसराज कॉलेज में चले गए पैदल, और वहाँ पर उनसे मिले, उनके प्रिंसिपल से मिले, और जब वो लौट रहे थे वो कह रहे थे कि दिस इज़ माई पिलग्रमेज, ही वेंट टू एक्चुअली अपोलोजाइज फॉर वॉट हैड बीन सेड। तो मुझे नहीं लगता कि जो मणिशंकर अय्यर ने कहा है दैट एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ द स्टीफेनियन एट ऑल। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पोलिटिकल करेक्टनेस हम अपनी बातचीत में रख रहे हैं कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कोई भेदभाव नहीं है, ना जेंडर का है, ना कास्ट का है, ना क्लास का है, ना भाषा का है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। एक इनविजिबिलिटी है पहले के
जेंडर बायस यहाँ है, मेरी बेटी यहाँ पढ़ी कई सालों बाद, कोई ऐसा, देयर इज नॉट एन अग्रेसिव एंटी कास्ट फीलिंग, कोई रूड नहीं होगा कोई, लेकिन एक अंडर करंट ऑफ 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 डिसएडवांटेज एडवांटेज प्रिविलेज वो है, वो हमारे समाज की सच्चाई में है और यहाँ भी यहाँ पे वो गर्ल्स रेजिडेंस भी नहीं था, गर्ल्स रेजिडेंस भी नहीं था, अभी तक शायद एक यहाँ पे रही है गर्ल प्रेसिडेंट, और गर्ल प्रेसिडेंट जब चुनी गई थी, तो इसी तरह का एक 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 माइलस्टोन उसको माना गया जब एक नॉर्मल कोर्स में होना चाहिए था. लेकिन अगर हम ये माने कि डिसएडवांटेज्ड व्यक्ति को बराबरी का माहौल वास्तव में यहाँ मिल रहा है, मैं नहीं मानता. ये अपने आप में एक सच्चाई है जो आपने कहा है कि कोशिश चल रही है और ये बदलाव आ रहा है, और ये तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बैठे हैं, इसमें बहुत सारे रोहित के साथ ही, इनसे भी हम बात करेंगे और ये बहस अभी हम आगे भी करेंगे, लेकिन हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग में, उसके बाद लौटेंगे इस बातचीत पर.